पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अजय चंद्राकर के विवादित बयान पर राजनीति गरमाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महातारी वंदन योजना पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। आशंका जाहिर की और उसके बाद निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देते हुए बयान आ गया कि ऐसी ऐसी हमारी कार्य पद्धति और इस तरह से कार्य करते हैं और इसमें गड़बड़ होने की कोई आशंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने एक बार नहीं अनेकों बार राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क किया और जिसमें कई गंभीर शिकायतें थी। बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डालना है या विकलांग मतदाताओं को दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालना है, पर जो आरोप है संबंधित क्षेत्रों के उन्होंने राजनीतिक दल के लोगों को या उनको खबर नहीं की। जहां पर लोग जागरूक थे उन्होंने माना कि भाई इसकी प्रक्रिया क्या है, तभी उनको जानकारी मिल पाई। कर्मचारियों के भी मतदान में ये बात हुई कि मतदान का प्रतिशत उनका ज्यादा हुआ, लेकिन यदि किसी के ड्यूटी कट गए तो उसका नाम ड्यूटी चार्ट से यदि नहीं हटाया गया तो वो पूर्ण स्थान पर मतदान से वंचित हो गए, उसको जानबूझ के ऐसा किया गया। क्योंकि ये जानते थे कि कर्मचारी वर्ग जो है कांग्रेस से नाराज होगा और जितना वो अधिक वोट करे तो उतना कांग्रेस को क्षति होगी, इसलिए ड्यूटी चार्ट से उसका नाम नहीं हटा के कम से कम 25,000 लोगों को मतदान से षड्यंत्र पूर्वक वंचित किया गया। उसके बाद उनकी सुरक्षा का जो मामला, मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि जहां पर लोग सतर्क थे राजनीतिक पार्टियां या हम लोग सतर्क थे वहां पर तो हमको सूचना मिल गई, पर पूरे प्रदेश से यह शिकायत आ रही है कि इनको स्ट्रांग रूम में रखने की, इनको सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक दलों को नहीं बताई गई। हमने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में जब भी हम लोगों ने बातचीत की, सबसे पहले हम लोग मैंने ये कहा है कि स्ट्रांग रूम में क्या क्या प्रक्रिया की गई है, कौन से स्ट्रांग रूम कौन से बल के अधीन में है, कितने दिन में चार्ज होते हैं, कितने जगह उन्होंने कार्य चेकिंग होती है, कितने कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों को उन्होंने वहां पे निगरानी के लिए अनुमति दी है, नाम को क्या प्रक्रिया है, कितने बजे खोले जाएंगे, कितने बजे क्या होंगे, उस तरह के टोटल प्रक्रिया को सार्वजनिक करें, ये कहा है मैंने। लीगल प्रोविजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें लीगल प्रोविजन ये है कि जो रिटर्न अधिकारी को जो जो निर्वाचन अधिकारी है तो प्रक्रिया नियम के तहत संपादित करेगा बिना राजनीतिक भागीदारी, तो प्रक्रिया का मतलब क्या होगा, विषय ये है। और जिसको हमको वंचित किया जा रहा, मैंने पूछा मेरे आरोप को मेरे जो इलेक्शन एजेंट थे उन्होंने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं इलेक्शन सॉरी सीनियर सिटीजन और जो दिव्यांग है उसके मतदान के लिए, तब उन्होंने नाम और जगह बताई, तब हमने अपने बीएलओ को खबर किया कि यहां होगा आप देखिए करके, ये सब जगह उन्होंने नहीं बताया। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं तो नहीं जानता किसी ने कार्रवाई हुई हो एक हुई में, जब शुरुआत में उन्होंने एक दो कलेक्टर और कुछ एसपी को हटाया उसके बाद उससे गंभीर आरोप हुए, अब इससे गंभीर आरोप क्या होगा जिसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए कि बीजापुर का कलेक्टर वो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ घूमता बैठता उठता फिरता चाय नाश्ता करता है और मैंने जितनी शिकायतें की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उम्मीदवार कर रहा है बीजेपी,